यीशु और पास आ चुकी है। देखो देखो, ये तो पूरा ही कुछ नहीं दिख रहा है। तो इधर भी यीशु आ चुकी है। चलो चलते हैं लस्सी लेने। तो आज हम आ गए हैं कौन से दिन में? सातवें में आ गए सर, पता ही नहीं मुझे। तो बर्फ वगैरह पड़ गई है यार। तो अब रेडी सेडी हो गए हम लोग, निकल गए प्रॉपर्टीज देखने। क्योंकि मेरे पास कई लोगों के आप में से मैसेज आ रहे थे कि मुझे भी ना आपकी जगह पे आना है। तो अब मैं तो वॉलंटियरिंग करने आया था, तो प्रॉपर्टीज़ भी देखनी पड़ती हैं कि अगर मैं किसी को ला रहा हूँ तो उन्हें कहाँ कैसे रखूँ, एंड आगे के लिए भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की कि क्या रेट्स हैं एंड ऑल। तो बस आज उसी में ही निकला है, उसी में ही देखते रहे, कई सारे प्रॉपर्टी देखे आज। अच्छा, फिर उसके बाद उधर के लोकल की मदद से ही उधर पर हम लोग एक देवता के पास गए जो देवरी में मतलब सब लोग मानते हैं जिनकी, और काफ़ी दूर दूर से उधर लोग आते हैं, उन्हें लोहा चढ़ाया जाता है। और मैं खुद गया उधर, मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी उधर पर फील हुई मुझे भी। और अभी देखो, आप भी देखो उधर पर। तो यार इस जगह से दूर दूर से लोग आते हैं, और कहते हैं कि इधर पर जो भी इंसाफ वगैरह करना होता है, जो नहीं हो रहा होता है, तो वो ये करते हैं, ये देवता करते हैं। और काफ़ी मतलब है मान्यता गांव के बीच में। ये पुंडीर ऋषि का मंदिर, ये लव कुश का है, मतलब पहाड़ी लोग पुंडीर ऋषि बोलते हैं अपने। इधर रामायण में लव कुश जो सीता माता के बेटे थे। और अभी उधर मंदिर से भी आता तो बहुत पावरफुल एनर्जी लगती यार, मस्त जगह थी। मैं भाई वीडियो बना रहा था और ये जाने पीछे से कहाँ से आ गया एकदम। मैं उठा, इनकी दोस्ती के चक्कर में मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि मुझे लगा जाने कौन आ गया एकदम से। क्योंकि इधर ना लेपर्ड्स आते हैं और वो लोग ना सब कुत्तों का शिकार करते हैं। ऋषि अब ले कितनी अच्छी लग रही है इधर से देखने। शाम को हम लोग ट्रैकिंग करने गए, और कल दो लड़कियां और आ रही हैं एज अ वॉलेंटियर, और उनसे मिलवाऊंगा आपको। और कल भी हम ट्रैकिंग करने जाएंगे तो वो भी दिखाऊंगा, मजे आएंगे कल। तो यार आज का दिन भी बढ़िया कमाल का ही निकला है। कुछ खाना वगैरह खाया, थोड़ा घूमने गए, ट्रैकिंग वगैरह की। और ये रात देखो, पीछे चांद कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रही है मेरी फ़ोटो, अच्छी आएगी। सो आई होप आपको भी ये वीडियोस अच्छी लग रही हो। और अब मेरा कुछ और प्लान बन रहा है, कहीं और जाने का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं और जगह जाके ट्रैवल करें। एक जगह 7 दिन हो गए हैं, 8-9 दिन हो गए हैं, अब नई जगह जाना है। तो देखते हैं, बताता हूँ आपको अगली वीडियो में कहाँ क्या जाने का प्लान है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।